ये भाई कुछ भी बोलेगी यार, कि कुछ भी बोलेगी यूट्यूब के अंदर नहीं कह रहा हूँ तो सही है, मतलब कुछ भी बोलोगे क्यों दूसरे को, मतलब खाली भी कुछ भी बोल लोगे क्यों? हम इससे बात कर रहे तो तुम इससे बात करना, ऐसे क्या बोल ली है? उमरूम भाइयों रहेगा नहीं बंदा, ठीक है? तमीज से, तमीज में रहा, तमीज में सिस्टम पार देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी काफी अच्छा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मेरा वीडियो बनाने का रीजन क्या है, वो आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ वही करने वाले हैं। साथ में हमारे साथ भतीज जुड़ चुके हैं, तो भतीज के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि भतीज ने वो कॉन्ट्रोवर्सी देखी और उसके बाद भतीज सुबह सुबह आ गया था मेरे घर में। तो इसका मतलब भतीज भी हमारे साथ पूरा ही मतलब मौज ले रहा है ना, मतलब गंदा ही। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हर रिप्लाई आ चुका है तो एक वीडियो और बना देते हैं, बाकी इनने हमारे लिए कुछ गलत गलत कह रहेगा भाई, जो आपको वीडियो देख के पता लग ही जाएगा किसने कौन सही है कौन गलत है। और बाकी जो भी होगा ना वो आपको मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत ही करना दोस्तों, पूरा एंड तक देखना। बाकी सिस्टम फाड़ेंगे। गाइस पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोग इनके व्लॉग से मैंने थोड़ी सी क्लिप लिया, आप लोग ये वीडियो देखिए पहले। वैसे नहीं बना रही है मैडम व्लॉग, क्योंकि टॉपिक पहले से मिल चुका है इन्हें, तो वैसे नहीं बना रही है भाई। अब कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहे तो हम लोग बनाते, हमने तो पूरा प्रॉपर बना रखा है ना। अब इनका ब्लॉग बनाने का मन नहीं है तो इनने मेरी वीडियो देख के उठा दिया टॉपिक। तो आप देखिए ये पूरा क्या बोल रही है। ऐड कर दूंगी अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अरे एक ने थोड़ी बनाई है वीडियो, मैंने बनाई है भाई, नाम लेने में दिक्कत है क्या? एक ने नहीं बनाई है वीडियो, बनाई तो मैंने है। आपने तो बनाई भाई, नाम तो हमारा नाम लो ना, मतलब इतना खौफ है, मतलब बस वही है, बनाने का मन नहीं है, दूसरों को उठा दिया अभी फालतू में। एक ने बनाई है वीडियो वाले, एक ने नहीं बनाई भाई, मैंने बनाई है वीडियो, मेरा नाम लो भाई, मैंने बनाई है वीडियो। और ये देखिए बिल्कुल देखेंगे, देख ही रहे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, अभी भी देखेंगे भाई, देख ही रहे हैं, आपके ब्लॉग भी देखे हमने। तो आपका बिल्कुल काम धाम तो है नहीं, साफ सीधी बात, काम वाम भी आपने उतना दिखाया नहीं है। जो भी दिखाती हो आप बस बेकार सा दिखाती हो अपने घर में, क्या है मतलब घर में जो भी करोगे वो दिखा दोगे क्या? और चीज़ भी तो दिखाओ भाई, पब्लिक को थोड़ा करो ना यार, मतलब हम पे वीडियो बना के मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा। ये देखिए आगे भी दिखाएंगे, दो साल शादी को होने वाला है, पहले तो बधाई है आपको, बहुत बहुत शादी की बहुत बधाई है आपको शादी की। दो साल आप ऐसे इंजॉय करते रहो और थोड़ा सा ना अपने घर वालों पर भी ध्यान दो, तब तो मजा भी आएगा दो साल की बधाई देने में। अब खाली दो साल हो गए, क्या है उम्र साल तो नहीं, अभी और दिखाएंगे, देखिए आप। इतना टाइम किसके पास है जो तुम्हारे घर पे ध्यान देंगे? हमें अपने घर पे ध्यान देने का टाइम नहीं है, तुम्हारे घर पे ध्यान देंगे क्या हम उतना? वो तो तुम्हारा नेगेटिव कमेंट आया था तब जाके मैंने उसका रिप्लाई किया, और ऐसा ही होता ना मैं तुम्हारा रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं भाई फालतू के पंगे होंगे लेने का मेरा शौक नहीं। तो भैया जी अभी आगे और देखिए, तुम खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो भाई, हम तो एंजॉय मार रहे हैं जिंदगी के, हम तो मजे ले रहे हैं, आप भी ले लो मजे। हम तो लेते आ रहे हैं जिंदगी के मजे पहले से ही, हम तो पहले से मजे लेते आ रहे हैं भाई, वो भी खुद पे, हम तो सेल्फ डिपेंडेंट है, हम किसी के भरोसे नहीं रहते भाई, बस जितना हम खुद कमाते हैं उतने ही हम उड़ाते हैं, बाकी हम किसी से मांग के नहीं करते हैं हवाबाजी, अपने दम पे करते हैं, अपने दम पे करते हैं। और बाकी तुम इसलिए बोल रहे होंगे कि अगर तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी लाइफ तुम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने जल्दी शादी करनी नहीं चाहिए थी, और तुमने शादी जल्दी कर लिया तो अब तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही ना। अब अभी तो हम लोग हैं तो कुंवारे भाई, कुंवारे हमें अपने काम से मतलब है, हम अपने अपने फोकस में, हमारा जो एक गोल है हमने उसमें फोकस कर रखा है ना, तुम्हारी तरह हम इतनी जल्दी शादी करके तो बैठे नहीं है घर में, जो हम लोग घर पे रहेंगे हमारा तो काम, हमारा कहीं भी काम बन सकता है, हम वहीं पर ब्लॉग बनाते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज़ बिगाड़ देखते हैं। अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है ना दोस्तों तो एक बार तुम अपने भाई के चैनल में देखो भाई वीडियो, और इनकी वीडियो देखना, कंटेंट तुम्हें पता चल जाएगा भाई किसका तगड़ा कंटेंट है और किसका कैसा कंटेंट है, हमेशा एक जैसा कंटेंट नहीं डालता भाई मैं यहाँ पर बैठ के। और आगे और दिखाता हूँ, मेरी शादी कहाँ से हुई है, मैं कहाँ पे, मैं कहाँ से हुई है, कहाँ मेरा ससुराल
वाले कहाँ क्या है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ, वो बहुत अच्छे से बताया। तो भाई ऐसा है ना कि तू मुझे मत ही बता कि मुझे करना क्या है। और रही बात अपनी लाइफ में ध्यान दे, खुद को देख ले पहले, दूसरों को बोलने से पहले, किसी औरत को बोलने से पहले खुद को देख ले, ठीक है? उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुद को देख रहे हैं यार, हम खुद को देखते हैं यार, हम ऐसा नहीं है। अगर आपको भी इनके तरह ही अगर थोड़ा सिंपैथी गेन करनी है तो आप लोग भी गाइस प्लीज़ मेरे पुराने व्लॉग देखिए और मैंने कहाँ से उठ के मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने क्या क्या करा है वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी इनके जो बोलने का टोन देख रहे हो ना आप लोग, भाई ऐसे टोन हमारे सामने नहीं चलेगी, पहली बात, ठीक है? फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे इतनी तमीज़ से बात करी तो प्लीज़ तमीज़ से बात कीजिए, और ऐसे टोन में बात करने का कोई ढंग नहीं होता है। पहले बात अपनी ढंग सुधारिए, तब जाके हमसे बात करिए। और जो ऐसी वीडियो बना रहे हो ना, ये वीडियो बनाना बंद कर दो, पहले बता रहा हूँ। भाई ये गेम क्या चल रहा है, मतलब औरत को कहने से पहले क्या मतलब होता है? होता है समझ में नहीं आया ये बात। तो तुम क्या कहना चाहोगे यार, बतीस थोड़ा बताओ मेरी पब्लिक को। एक मतलब पहले कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं, पहले नेगेटिव कमेंट खुद ही करे, पहले खुद ही करे, फिर उल्टा खुद ही। अब औरत अलग गेम, औरत ये कौन सा गेम है? ये तो बहुत गलत बात है ना जो आपने कहा है ये चीज। भाई पहले खुद को देखो फिर दूसरों को बोलो ना। ये औरत अलग गेम मत खेलो, क्योंकि आप भी उसी एज के हो जितने एज के हम लोग हैं, तो इसलिए औरत और एक ऐसे ना लड़को फड़को वाला गेम मत ही खेलो। साफ सीधी बात है, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट आया था पहले मेरी वीडियो में, ना कि मेरा वीडियो में कमेंट आया था आपके कोई भी, ठीक है? तो प्लीज तो ऐसा मत करो, बाकी जो करना है कर लो यार। जितने यूट्यूबर भिड़ाने हैं भिड़ा लो, जितने जो लाना है भाई, हम तो रोस्ट मारेंगे तो मारेंगे, बस हमारा काम यही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम जितनी वीडियो बनाओगे ना उससे डबल वीडियो में तुम्हारे लिए बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो ना बोल कैसे रही है, देखो तू ये हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर, ऐसे ऐसे यूट्यूबर आ जा रहे जो तू करके बात कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे इनको। हमने पहली वीडियो में कितने रिस्पेक्ट से बात करी है भाई, कि पहले एक तो नेगेटिव कमेंट यही मार रहे, ऊपर से हम इतने रिस्पेक्ट से इनसे बात भी कर रहे, और बाकी इनका रिप्लाई कितना तगड़ा आ रहा है, देख रहे हो तू तड़ा करके बात कर रही है। अब क्या ही बोले यार इनको ना, अब ज़्यादा बोलने का तो थोड़ा है यार, ह्यूमैनिटी वाला गेम भी खेल देंगे ये लोग, ये भी है। तो ऐसा है, मैं तो खुला कह रहा हूँ भाई, तुम जितनी वीडियो बनाओगे ना उससे दुगनी तिगनी वीडियो मेरी आएगी, बाकी जो करना है आप लोग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जितने यूट्यूबर भिड़ाने हैं ना, और भी हैं तुम्हारे पहचान के यूट्यूबर जितने हैं, मेरे को सब जानते हो तुम्हारे बारे में, जितने भिड़ाने भिड़ा लो, बाकी देख लूँगा भाई। कितने यूट्यूबर आओगे तुम, आओ ना भाई भिड़ो, कितने यूट्यूबर आ जाओगे? लाखों में तो नहीं आओगे, अकेले काफी हूँ, अकेले काफी हूँ, सिस्टम मिला दूंगा तुम्हारा पूरा, समझे? जितने यूट्यूबर हो ना तुम सबके सिस्टम हिलाने की अकेले हिम्मत रखता हूँ इतनी, ठीक है? ये बात सही है। जो दीदी जो आपने शादी करके जो जितने आपने गहने आने जो आपके ससुराल से मिले हैं ना, जो आपके घर से दिए गए जिसने, उससे ज्यादा तो मेरा यही महंगा है, मैं तो कान का ही महंगा पहनता हूँ। वो भी खुद का है, खुद की कमाई का है, खुद की कमाई का है, ऐसा नहीं कि माँ बाप से ले लिया हवाबाजी कर लिया भाई, हवाबाजी हम नहीं रखते, हम नहीं रखते भाई, हम करते भी नहीं हवाबाजी, और हमें इतना पर्सनल घुसने का मतलब भी नहीं है। हमारे उसमें सिर्फ कमेंट आया था जिसका हमने रिप्लाई करा, पर तुमने इतनी बदतमीजी से बात की है ना हमसे, लिटरली कह रहा हूँ, जो इनके सब्सक्राइबर होंगे वो भी क्या सोच रहे होंगे भाई, बहुत गलत बात है, तमीज से बात करना सीख लो। अगर ब्लॉगर बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तमीज से बात करो, दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को देखो कि क्या बोल रहे हो किसी को, वही तो, ठीक है? और बाकी सपोर्ट तो आप करोगे नहीं, सपोर्ट तो आप उससे होगा नहीं, तो यार डीमोटिवेट मत करो भाई किसी को ना, किसी को क्या, अभी तो हमारे साथ बात चल रही है तो हमको मत करो, क्योंकि हमने आपसे प्यार से बात करी तो हम भी ये चाहते कि आप प्यार से रिप्लाई करो, करना है करो, नहीं करना है तो मत बनाओ हमारे लिए वीडियो, और वीडियो बना रहे हो तो प्यार से बात करो, जिस हिसाब से हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, प्यार से बात करो, प्यार से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो प्यार से बात करो, तू तड़ाक में बात करनी है तो हम भी तू तड़ाक में आ जाएंगे, उसके बाद मत कहना कि तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो, बदतमीज हो, ये हो वो हो, इससे मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप लोग के इनके सब्सक्राइबर कोई देख रहा होगा तो इनका समझा देना प्यार से, अगर नहीं समझेंगे तो भाई यहाँ से तुम्हारे दाजू की भी बातें खत्म नहीं होती रहेगी, आते रहेगी और एक नए अपडेट के साथ आते रहेगी, जिसमें आप लोगों को भी मजा आएगा और इनकी अब अच्छे से हम क्लास लगा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिस्टम पार देंगे।